इस वक्त की बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय संसद परिसर के अंदर सिगरेट पीते हुए देखे गए। टीएमसी सांसद मनरेगा में बदलाव को लेकर संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सौगत राय हाथ में सिगरेट लिए हुए दिखाई दिए। सिगरेट जली हुई थी, धुआं निकल रहा था। साफ था कि सौगत राय सिगरेट पी रहे थे। हालांकि कैमरा देखकर उन्होंने सिगरेट छिपाने की कोशिश की, लेकिन बुझाई नहीं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जलती हुई सिगरेट बिल्कुल हाथ में आप देख रहे हैं इस वक्त। संसद परिसर के अंदर का ये हिस्सा है जहां पर ये तस्वीरें कैप्चर की गई। ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हालांकि कैमरे को देखने के बाद उन्होंने छिपाने की कोशिश भी की सिगरेट को, लेकिन छिपा नहीं पाए और कैमरे में ये तस्वीरें आ ही गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट इस तरह से नहीं पी सकते हैं। और जब सवाल पूछा गया टीएमसी सांसद से इस बारे में, तो वो इस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये कहां लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना मना है। यानी एक सांसद होकर खुद ही कानून की खिल्ली उड़ा रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी अभी हमारे सामने यहाँ से दो कैजुअलिटीज जो है सीरियसली इंजर्ड, उनको वीरेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, क्या इस बारे में सौगत राय से बात की गई? क्या उन्होंने कहा कि वो संसद परिसर में सिगरेट पी रहे थे, उनके हाथ में सिगरेट दिखाई दे रही कैमरे में? देखिए, गांधी भवन, गांधी की मूर्ति के सामने उन्होंने जब प्रदर्शन करना शुरू किया मनरेगा के विरोध में, उसके बाद सौगत राय वहां बैठ गए और वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि आप इस तरह से संसद भवन परिसर में आप सिगरेट पी रहे हैं और जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कि ये धूम्रपान वर्जित क्षेत्र है और ये एक सामाजिक जगह है, वहां आप सिगरेट नहीं पी सकते, उन्होंने फिर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि आप मुझे सिखा रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूं, तब से मैं एमएलए रहा हूं, एमपी रहा हूं, मंत्री रहा हूं और आप मुझे तरीका सिखा रहे हैं। हमने कहा कोई तरीका नहीं सिखा रहा हूं, ये गांधी जी की मूर्ति है और उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, संसद भवन का परिसर है, जगह जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप सिगरेट पी रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप माननीय सांसद हैं, आपके आपके माध्यम से एक संदेश जाता है पूरे देश में, जनता आपको देखती है, लाखों लोग आपको चुनकर भेजते हैं, बावजूद इसके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे पत्रकारिता ना सिखाएं, आप मुझे राजनीति ना सिखाएं, मैं क्या करता हूं मैं जानता हूं। मैंने कहा कि आपके हाथ में सिगरेट है और गांधी की मूर्ति के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता की जो स्कीम है मनरेगा उसमें संशोधन को लेकर आम जनता से जुड़े हुए सवाल को उठा रहे हैं और आप खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, इससे क्या संदेश जाएगा? संसद भवन परिसर के अंदर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं आते हैं, वो संसद भवन को देखने आते हैं, संसद भवन के अंदर की कार्यवाही को देखने आते हैं, आप माननीय सांसद हैं और ऐसी ऐसी स्थिति में संसद भवन परिसर में आप खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं। वीरेश, ये बताइए, जब आप ये सब बात उनसे कर रहे थे उस दौरान भी क्या उनके हाथ में सिगरेट थी? तब तक वो कम से कम सिगरेट फेंक चुके थे। सिगरेट वो जैसे ही मैं उनके ऊपर उनको लगा कि हम कैमरे में हम उन्हें कैद कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके जो सांसद संसदीय दल के नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट पी रहे हो, इसको पीछे फेंक दो, और उसको उन्होंने पीछे फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं पी रहा हूँ सिगरेट। मैंने कहा कि आप मेरे सामने सिगरेट पी रहे थे, कैमरे में कैद है वो सिगरेट, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप यही सिगरेट पी रहे हैं। मैंने फोकस किया कि आप जिधर सिगरेट पी रहे थे वो सिगरेट आपके पीछे पड़ी हुई है, बावजूद इसके एक तरह एक तो आप सिगरेट पी रहे हैं, दूसरे आप झूठ बोल रहे हैं। पूरी तरह से वो भड़क गए और उन्होंने हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि देखो जब तुम पैदा नहीं हुए तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये बात अलग है कि आप कब से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है? जगह जगह जहां मीडिया स्टैंड है वहां पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, रूलिंग्स आई हुई है कि सार्वजनिक जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, तो उनका तर्क था कि संसद भवन के अंदर, भवन के अंदर हम सिगरेट नहीं पी सकते, जबकि संसद भवन परिसर के बाहर हम पी सकते हैं, संसद भवन परिसर के अंदर पी सकते हैं,
जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसद भवन परिसर एक अति सुरक्षित जगह है। यहाँ पे माननीय सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सभी लोग आते हैं और इस संसद भवन की कार्यवाही को देख, संसद भवन और सांसदों को देखने के लिए एक उत्सुकता लोगों में रहती है। छात्र छात्राओं को स्कूलों से लाया जाता है कि आप चलें संसद भवन को देखें, यहीं से कानून बनता है। जो माननीय सांसद हैं वो देश को चलाते हैं, सरकार यहां से चलती है। और बिल्कुल विवेश, यही तमाम सवाल हैं और यही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर जब आप एक सांसद हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो एक व्यवहार की उम्मीद आपसे की जाती है, सभ्य व्यवहार की उम्मीद आपसे की जाती है। पहले तो उन्होंने ये नियम तोड़ा, लेकिन ये नियम तोड़ने के बाद भी जैसा विवेश हमें बता रहे हैं कि उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद वो उल्टा विवेश के ऊपर ही भड़कने लग गए और उल्टे जवाब देने उन्होंने शुरू कर दिए। तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे, विरोध जता रहे थे, लेकिन इसी दौरान सिगरेट पीते हुए उन्हें कैमरे में कैद किया गया। तस्वीरें कैद हुई हैं ये, जब उन्हें नोटिस कराया गया इस बारे में कि उनके हाथ में सिगरेट है और ये धूम्रपान वर्जित इलाका है, यहाँ पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गंभीरता उनके व्यवहार में नहीं दिखाई दी, बल्कि उल्टा वो इस सवाल पर, नोटिस कराने के इस तरीके पर भड़क गए और उल्टा पत्रकारों से बदतमीजी करने लग गए। ये तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मनरेगा के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे, मटके के साथ ये प्रदर्शन हो रहा था, देखिए बाकी सदस्य भी वहां मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हाथ में सिगरेट है। जैसे ही पता चला कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं, तो इसे छिपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन सिगरेट जल रही है, धुआं आप निकलते हुए देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सांसद साहब सिगरेट पी रहे थे संसद परिसर के अंदर। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, आप विरोध जताने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह का व्यवहार देखा गया वो तस्वीरों में आपके सामने है। तृणमूल कांग्रेस के ये तमाम सांसद यहां पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे मनरेगा के खिलाफ, हाथों में मटका लेकर प्रदर्शन किया, बैनर साथ में थे, पोस्टर साथ में थे, नारेबाजी भी हुई, लेकिन इस बीच एक सभ्य व्यवहार क्या होना चाहिए शायद ये सांसद साहब को याद नहीं रहा। और हैरानी इस बात पर होती है कि शायद अपनी गलती मान ही लेते, स्वीकार ही कर लेते, तो बात यूं बिगड़ती भी नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवहार अपना दिखाया, उसे किसी भी तरह से सभ्य तो नहीं कहा जा सकता। बातें अक्सर यूं ही की जाती हैं, अक्सर ये कहा भी जाता है, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और अगर मंदिर में आपका ऐसा व्यवहार है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, शपथ ग्रहण आप करते हैं, उसके बाद इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो क्यों नहीं आखिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता के पूछने पर कैसे भड़के स्वागत राय। संसद भवन परिसर के अंदर गांधी मूर्ति के पास मनरेगा को लेकर विरोध प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का चल रहा था। इस बीच स्वागतो राय, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, गांधी की मूर्ति के पास सिगरेट पी रहे थे, क्यों सर? धूम्रपान निषेध है। कौन आपको बताया कि निषेध है? आप कहां से आपको पता चला कि निषेध है? पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर नहीं होता है, आप लोग सब मॉरल गार्जियन बन गए क्या? ये सब फिजूल बातें मत करिए, ये आप लोग कोई गार्जियन नहीं है और आपसे मैं ये जवाब नहीं दूंगा। सर, हम अभिभावक नहीं है, लेकिन जगह जगह यहाँ लिखा है कि धूम्रपान निषेध नहीं है। बिल्डिंग के अंदर पीना, खुला जगह में कोई पी रहा है तो उसके कोई बात नहीं है। ये आप लोग जानबूझ के इसको लेकर हमारा प्रोग्राम डाइल्यूट कर रहे हैं। ये सार्वजनिक जगह है, संसद भवन का परिसर है, जगह जगह लिखा हुआ है, मीडिया स्टैंड पे लिखा है कि मीडिया स्टैंड में नहीं है, लेकिन लिखा है कोई नहीं है। मैं आप कितना दिन जर्नलिज्म कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शायद आपको जन्म के पहले पार्लियामेंट का मेंबर था, तो मुझे ये मत सिखाइए। बात उसकी नहीं है दादा, बात इसकी है कि ये गांधी की मूर्ति है और यहाँ पे आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी इसका क्या मैसेज जाएगा? कुछ मैसेज नहीं जाएगा इसके साथ, हम प्रदर्शन खत्म होने के बाद ही किया। और आप गार्जियन मत बनिए, ये जो आपका आदत है ये छोड़िए।
ये थे स्वागतो राय जो काफी नाराज हैं और वो ये बता रहे हैं कि आप हमें सिखाइए नहीं, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये संसद भवन का परिसर है, जगह जगह यहाँ लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है, यहाँ सिगरेट पीना मना है और ये एक सार्वजनिक जगह है। और जहाँ मीडिया का स्टैंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस जगह पे मीडिया के लोग बैठते हैं, वहाँ पे भी धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा हुआ है। संसद भवन परिसर में जगह जगह पर ये बोर्ड लगा हुआ है। बावजूद इसके गांधी की मूर्ति के पास स्वागतो राय जो जब मनरेगा का प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने सिगरेट पिया, ये हमारे कैमरे में भी कैद है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो मीडिया पर ही अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ वीरेश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।